पप्पू एरक बम्मी, दोनों की अलग पार्टियां हो रही है। पहले पप्पू चौधरी था, उन्हें कहा जी लोकसभा के चुनाव हारने के बाद मैं नहीं रहता अध्यक्ष, राहुल बाबा ने अध्यक्षता छोड़ दी और कहने लगा कि भाई नया अध्यक्ष लाओ। कौन लाओ? गांधी परिवार से बाहर का लाओ। हमें लगा बात तो अच्छी है, परिवारवाद से दूर हटना ये अच्छी बात है, हट जाए तो आखिर दूसरे विरोधी आदमी की अच्छी बात की भी सराहना करनी चाहिए ना, करनी चाहिए कि नहीं? अब अच्छी बात थी। लेकिन ये लोग सारे देश में लगे घूमने के कांग्रेस के अंदर कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए, इनको नेशनल प्रेसिडेंट अच्छा सा मिल जाए। ढूंढते ढूंढते 3 महीने बता दिए और 3 महीने बाद कौन बढ़िया, कौन बढ़िया? सोनिया गांधी। फिर वही गांधी परिवार के खोदा पहाड़ निकली चुईया और वो भी मरी हुई। पहली बात तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो खट्टर नहीं, वो खच्चर है, और उनको इस प्रकार का बयान देना अगर है तो बयान उन्होंने मोदी जी के बारे में देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के बारे में लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा आर्थिक उन्नति करेंगे देश की, देश का विकास करेंगे, देश संपन्न होगा, देश में बहुत रोजगार आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, जगत बढ़ेगा, उद्योग जगत। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा तो ये मोदी जी के लिए परफेक्ट बैठता है। तो इसलिए खच्चर साहब को मेरा कहना है कि आप मोदी जी के लिए बोलिए ना ये बयान, हम स्वागत करेंगे आपका।